अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और चैप्टर नंबर 4 के अंदर अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स एक और ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और एल्जी के अंदर। कुछ ऑर्गेनल्स हमने देखे कि सिर्फ एनिमल सेल के अंदर है, कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है। तो वन ऑफ द ऑर्गेनल जो कि प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है बट एनिमल्स में नहीं पाया जाता, वो है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो हैं ये मेजर ऑर्गेनल हैं प्लांट्स के अंदर और एल्जी के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स एक तो साइट ऑफ मैन्युफैक्चर है, यहाँ पर चीज़ें फॉर्म होती हैं, क्या फॉर्म होती है अभी हम बात करते हैं, और दूसरा ये स्टोरेज के तौर पर काम आते हैं। ना प्लास्टिड्स को समझना है तो बेसिकली समझ लें कि आपके पास कप है, ठीक है, जिस तरह कप के अंदर कोई ना कोई लिक्विड पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह प्लास्टिड्स के अंदर भी कोई ना कोई केमिकल होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ऐसे केमिकल्स जो हैं वो कहलाते हैं पिगमेंट्स। तो प्लास्टिड्स के अंदर जो है वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब हमारे पास तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, तीन तरह के हमारे पास प्लास्टिड्स हैं। अगर इसके अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड पड़ा हुआ है, एक कप है आपके पास जिसके अंदर कोई ग्रीन कलर का लिक्विड है, वो एक जूस होता है ना क्विस, तो वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा प्लास्टिड्स के जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ऐसे प्लास्टिड को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड होते हैं, प्लांट्स और एल्जी के अंदर पाए जाते हैं, और ये ग्रीन पिगमेंट जो है ये कहलाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल हमें बताया कि ये काम आता है फोटोसिंथेसिस के, तो हमने कहा था ना मैन्युफैक्चर होता है, तो ये फूड मैन्युफैक्चर के काम आता है। ये वाला जो प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये फूड मैन्युफैक्चर के काम आता है। नाउ अदर देन दैट देर आर प्लास्टिड्स के जिनके अंदर डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर के अलावा डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर का पिगमेंट है या येलो कलर का पिगमेंट है, किधर गया मार्कर तेरा, ठीक है, ऑरेंज कलर का या ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर का या येलो कलर का पिगमेंट है, तो ऐसे प्लास्टिड्स जो हैं वो कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये बेसिकली उन एरियाज में होते हैं प्लांट के जो कलर्ड हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीव्स के अंदर पाया जाएगा, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है वो आपके फ्रूट्स के अंदर होगा। फ्रूट्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। फ्लावर्स के अंदर होते हैं, ठीक है, ऑटम लीव्स के अंदर होते हैं, तो ये डिफरेंट कलर के जो होते हैं इनमें ये डिफरेंट कलर के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन तो ये है कि इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के काम आता है। ऑब्वियसली प्लांट को ग्रो करना है तो प्लांट को अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करनी पड़ेगी अगर जिंदा रहना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट एक तो प्लांट को अट्रैक्टिव बनाता है, फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाता है, प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाता है, फ्रूट को अट्रैक्टिव बनाता है। इससे एक फ़ायदा हासिल ये होता है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं प्लांट्स की तरफ, और फिर वो पॉलिनेशन जो है उसके अंदर हेल्प करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स अगर प्लांट की तरफ आएंगे तो जब वो फ्लावर पर बैठते हैं तो पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं उनके बॉडी के ऊपर, और इस तरह से वो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस तक जो है वो ट्रांसफ़र होता है। थर्ड टाइप के जो हमारे पास प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो है ये ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनमें किसी कलर का कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। ऐसे समझ लें कि इस कप के अंदर अब की बार जो है वो पानी मौजूद है, तो इसमें बिना किसी कलर का पिगमेंट मौजूद नहीं होता, दे आर कॉल्ड कलरलेस प्लास्टिड। ये स्टोरेज ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, लाइक रूट्स के अंदर ये डेवलप होते हैं, और यहाँ पर जो है वो फूड स्टोर किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स हैं और इनके अंदर डिफरेंट मटेरियल मौजूद है और इनका डिफरेंट जो है वो फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटी सी लाइन है, कलर ऑफ द प्लांट फ्लावर्स सच एज एन ऑर्किड देयर इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इन अ सेल कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट वही है जो कि कलर्ड प्लास्टिड है, अदर देन ग्रीन जो भी कलर मौजूद होता है प्लांट के अंदर वो इन्हीं प्लास्टिड्स के अंदर होता है जिन्हें हम क्रोमोप्लास्ट का नाम देते हैं। सो दिस इज़ अबाउट प्लास्टिड्स, ये मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर और एल्जी के अंदर। इवन एल्जी के अंदर तो पूरी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस के ऊपर जो है कौन सा कलर इनके अंदर मौजूद है उस बेसिस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन भी होती है।